It's delicious. तो हाँ जी यार, जैसा कि आपने अभी देखा, मैंने ऑयल डाल दिया ब्रेक कॉइल, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है .3 का ब्रेक ऑयल डाल दिया मैंने, ठीक है, और जो भी है अभी क्लच का प्रेशर बनाएंगे अभी, ओके। तो अभी हम जस्ट आ गए गाड़ी के अंदर बाहर से ऑयल डालकर, और अभी एक आदमी पीछे बैठा दिया मैंने ऑपरेटर को, और बनाएंगे क्लच का प्रेशर। बहुत ढीला है, नॉर्मल ही है, बहुत नॉर्मल है। स्कॉड है TRX, आप देख सकते हो, और अभी बोन और आ रहा है, ये देखो। जैसा कि आपने अभी देखा, मैं पेंडल मार रहा हूँ, एयर नहीं बन रहा, और एयर फिर वापस ले गया है। इस सिचुएशन में हमने नहीं, हम सब ऐसे ही करते हैं। ये पैप जा रहा है पीछे को, ठीक है, और यहाँ से ऊपर से दिखाता हूँ कि मोटर को, यार अभी पूरे पैप में एयर चला गया फिर से। अभी मैं तो पेंडल मार रहा था अपनी तरफ से, लेकिन बात बन नहीं पाया, और यहाँ पे देख सकते हो आप, अभी यहाँ पे सिलेंडर है, ठीक है, यहाँ से डीला करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे और वहाँ पे लगेंगे उंगली, और अंदर से मारते पेंडल, ठीक है, वो प्रेशर जब बनेगा ना फिर इसको उठाएंगे, ठीक है, प्रेशर बन गया ना, उसके बाद इसको फिर टाइट कर देंगे, फिर ऑयल जो पीछे जाएगा, पेंडल को नहीं लेकिन हम छोड़ सकते, ठीक है, पेंडल को पकड़ के रखना पड़ेगा, ओके। ये मेन इसका रीजन, जो एयर इसका जल्दी निकलता नहीं, ठीक है, ओके। तो फाइनली अभी करते हैं, और करना क्या, कर लेने का यही मेन सबूत है, ओके। इसको ढीला करके इसकी उंगली रखेंगे, अंदर से पेंडल मारेगा, अब उनको पता चलेगा भाई प्रेशर बन रहा है, जब बन रहा है एयर निकालेंगे एक बार, दूसरे फिर रखेंगे, फिर उसको पैप लगाएंगे, पेंडल दबा रहना चाहिए, फिर पैप लगाएंगे, फिर पेंडल मारेंगे, और जो ऑयल वहाँ से निकल के वहाँ पीछे चला जाएगा, पीछे आगे उसको एयर निकालेंगे पूरा, ऑयल निकाल टाइट करके पेंडल मारते रहेंगे, पेंडल टाइट हो जाएगा, अपना फिर पकड़ लेगा क्लच, ओके जी। अभी मारिए पेंडल एक बार, पेंडल मारिए, आप मारो पेंडल, आप देख सकते हो बड़ा टाइट ना, अभी मारो बस, पेंडल दबा के रखो एक बार, पेंडल दबा के रखो, अभी छोड़ना मत, अभी छोड़ दिया तो कांड हो गया, दिक्कत ये भी चूड़ी चढ़ेगा नहीं जल्दी, है ना, ये कने चढ़ जाता जल्दी, वही देख रहा हूँ, रुको, तो इसका चूड़ी का दिक्कत है, चूड़ी चढ़ा गया, आपको दिखाता हूँ, पेंडल मार, अभी एक मिनट रुक जा, मार पेंडल, अभी जोर जोर से मार, जोर जोर से, हाँ जी यार, फाइनली आपने अभी देखा, मैं बूस्टर का काम कर रहा था, मतलब क्लच का काम कर रहा था, क्लच का प्रेशर नहीं बन रहा था, ठीक है, और जैसा कि आपको मैंने बताया, मतलब बूस्टर के ऊपर उंगली रखनी है और उसके बाद प्रेशर बनाना है, ये तो आपका जब हमने उंगली रख दी, ठीक है, पेंडल मार रहे हैं, ये तो प्रेशर बन गया, इसका मतलब आपका बूस्टर काम कर रहा है, ओके है, और आपका जो ऑयल नहीं आ रहा है, अंगूठा और रखा हुआ है बूस्टर के ऊपर, जहाँ से पैप खोला है हमने, मेन पैप जो पीछे आ रहा है, अब जब आपको सिर्फ ऑयल नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका बूस्टर में कोई प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, इसके भी बूस्टर का चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपका जो उंगली में तेल, मतलब उंगली रखा है ना अपने ऊपर, तो प्रेशर मारना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब अपना बूस्टर ओके है, तो इसका फिर पैप को टाइट कर देना क्लच दबाकर, और फिर अपने आप पीछे ऑयल जाना स्टार्ट हो जाएगा, ये सिद्धांत है क्लच का, मतलब खास करके जब पैप को भी लीक हो जाता है, ठीक है, तो ठीक है, फाइनली मेरे को यही बताना था, और मैं बता नहीं सकता क्योंकि लंच टाइम हो चुका है, इस टाइम बाहर जा रहा था, तो वीडियो भी नहीं बन पाया इतना,
और जितना मैंने बताने की कोशिश की, तो आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, और आप नए हैं चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो ऐसी अदबद वीडियो आती रहेगी, अदर बदर वीडियो आती रहेगी। ओके ओके फाइनल है, पीस आउट।